नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहित जोशी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार पेशाब क्यों वॉशरूम में पास करने के लिए जाना पड़ता है, इसके 5 प्रमुख कारण आपको बताने जाऊंगा। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिए। अधिकतर मैंने जो इसके प्रॉब्लम देखा है वो स्मॉल किड्स, छोटे बच्चों में और ओल्ड एज में इसका प्रॉब्लम बहुत अधिक देखने को मिलता है। जनरली ये प्रॉब्लम नर्वसनेस के कारण होता है। अगर आपको किसी भी तरीके से एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो एंजाइटी के कारण आपको बार बार ऐसा अर्जिंग होगी कि आपको यूरिन पास करने जाना है। अगर आप जनरली अपने घर से बाहर जा रही हैं कुछ काम के लिए या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ओवर स्टिमुलेटिंग ऑफ ब्लैडर की वजह से आपको लगभग 3 से 4 बार फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। अधिकतर इसकी परेशानी मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखने को मिलती है। पुरुषों में ये परेशानी लगभग 45 से 55 साल की उम्र में देखने को मिलती है। आपका जो मेल हार्मोन होता है, अगर उसमें टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात करूँ, अगर उसके लेवल्स डिक्रीज होने लग जाए तो वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट करने लग जाता है। तो प्रोस्टेट मेल्स में जो परेशानी होती है, प्रोस्टेटिक ट्रबल्स जो होते हैं उसके कारण से मेल्स को ये दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स में भी लगभग 45 से 55 साल की टाइम एज में, या कोई भी फीमेल जो मेनोपॉज की स्थिति में है या मेनोपॉजल टाइम पे है तो उसको ये दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। फीमेल्स में जनरली एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज होने लग जाता है उम्र के साथ साथ, तो इसका जो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है वो यूट्रस और ब्लैडर में पड़ता है। तो स्पेशली ऐसे इस कारण की वजह से महिलाओं को रात को उठ उठ के बार बार दोबारा से दोबारा अपना यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। जनरली अगर मैं आपसे बात करूँ फीमेल्स की, तो फीमेल्स में ये केसेस प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तीसरा जो कारण मैंने इसका देखा है, अगर आपको किसी भी तरीके से डायबिटीज नाम की बीमारी है, शुगर या मधुमेह नाम की बीमारी है, तो उस प्रॉब्लम में भी जो पर्सन जिसको ये परेशानी होती है उसको बार बार यूरिन अपना पास करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अर्जिंग हो रही है यूरिन पास करने की, तो ये एक फर्स्ट साइन होता है। आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए उस टाइम पर को, और अगर आप किसी भी तरीके से शुगर का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसको आपको स्टॉप करना चाहिए। आपको अपने खाने में विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथा जो कारण मैंने इसका देखा है कि अगर आपको किसी भी तरीके से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट या आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, इसके कारण से आपको सिस्टाइटिस हो सकता है, ब्लैडर में आपके इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके से स्टोन्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको रीनल स्टोन्स बन रहे हैं या आपके ब्लैडर में स्टोन्स है, और ब्लैडर के स्टोन्स रीनल स्टोन्स तो तब भी पेन हो सकता है रीनल स्टोन्स में, लेकिन जो ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं वो बहुत साइलेंट स्टोन्स होते हैं और उनमें दर्द भी नहीं होता है। तीसरा जो कारण मैंने इसका देखा है वो है कि अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक से संबंधित अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, जिसके कारण से आपको थोड़ा बहुत यूरिन अपना पास करना पड़ता है। जनरली ये जो प्रॉब्लम अराइज होता है, अगर आपके यूरिन का पीएच थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उस कारण से आपकी जो ब्लैडर की वॉल होती है वो इरिटेट होने लग जाती है, और इस वजह से भी आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। इसके कुछ और कारण भी देखने को मिल सकते हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर कोई पर्सन अपनी लिमिट से ज़्यादा वाटर का इंटेक कर रहा है, वाटर को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको भी अर्जिंग हो सकती है बार बार यूरिन जाने की। अगर आप किसी भी किस्म से डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं जिसके कारण से आपका पेशाब का फ्लो बढ़ता है, आपका पेशाब का प्रेशर बढ़ता है, तो उस कारण से डायूरेटिक मेडिसिन भी यूज़ करने की वजह से आपको अर्जिंग हो सकती है बार बार पेशाब जाने की। अगर आप किसी भी किस्म से खट्टे फलों का इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से भी ये दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। ये मैंने कुछ आपको जनरल चीज़ें बताई कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी बार बार हो रही है यूरिन अर्ज करने की, तो जनरल आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स के कारण ऐसा दिक्कत परेशानी देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको यूरिन संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, अगर पेशाब संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे आपको इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या रीनल स्टोन्स का दिक्कत परेशानी हो रहा है, तो आप इसके लिए संभवतः होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, कोई नज़दीक के अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाकर, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। स्माइल मोर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।